हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ आलू लच्छा नमकीन की रेसिपी शेयर करूंगी। तो जिसके लिए मैंने दो आलू लिए थे, उसको बड़े वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया, अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसमें हमारा पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सूखा रहना चाहिए। व्रत वाला नमक लिया है, सेंधा नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और काली मिर्च पाउडर, बादाम लिए हैं, मखाने और मूंगफली। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डालेंगे घी। आप व्रत में जो भी घी या तेल खाते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। आप व्रत में जो भी तेल या घी खाते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। घी गर्म हो जाएगा तो हमें अपने लच्छे को तलना है। घी गर्म हो गया है, थोड़ा थोड़ा करके आलू के लच्छे को तल लेंगे। गैस तेज रखेंगे। लच्छे को हमें तेज गैस पर ही तलना है। अगर हम गैस को कम करेंगे तो हमारा लच्छा बहुत ही ऑयली हो जाएगा और वो कुरकुरा नहीं बनेगा। तो आलू का लच्छा हमारा तल गया है, इस तरह से ही तलना है, निकाल लेते हैं। आलू का लच्छा हमारा तल गया है, इस तरह से तलना है, देखिए कितना कुरकुरा है। बादाम, मखाने और मूंगफलियों को भी तल लेते हैं। गैस मीडियम कर देंगे। मूंगफली और बादाम, मूंगफली बादाम और मखाने हमारे अच्छी तरह से तल गए हैं। गैस को कर देंगे बंद। नमकीन के लिए जो हमने मसाले लिए थे सबको मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने व्रत वाला नमक लिया है, सेंधा नमक, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर देंगे। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो हमारी व्रत की नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी व्रत की नमकीन की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी नमकीन की रेसिपी कैसी लगी।